ऑस्ट्रेलिया से फिर हम अमेरिका की तरफ चलते हैं और उस अदृश्य दुश्मन की बात कर लेते हैं जिसको लेकर अमेरिका डरा हुआ है। अदृश्य दुश्मन से डरा अमेरिका एकजुटता की अपील भी करने लगा है, लेकिन जहां उसे शांति की पहल करनी चाहिए वहां वो जंग कर रहा है। आज हम आपको अमेरिका के उस सैन्य बेस की कहानी बता रहे हैं जहां ऑपरेशन यूक्रेन का कमांड सेंटर बना हुआ है। जर्मनी के इस सैन्य बेस से यूक्रेन में चल रही जंग पर अमेरिका नजर रखे हुए है। इसी सैन्य बेस से यूक्रेन को हो रहे हथियारों की सप्लाई की भी मॉनिटरिंग की जाती है और यहीं से युद्ध की रणनीति भी तय होती है। पुतिन आर्मी के काल की लोकेशन मिल गई। रूसी सेना में कोहराम मचाने वाले घातक हथियारों के केंद्र का पता चल गया। रूसी टैंक को सेकंडों में तबाह करने वाले प्रहारक शस्त्रों का गोदाम ट्रेस हो गया। हवा में ही पुतिन आर्मी के अटैक हेलीकॉप्टर के चीतरड़वाने वाली मिसाइल का ठिकाना सरेआम हो गया। अमेरिकी हथियारों का खजाना जर्मनी में ठिकाना। कहानी ही कुछ ऐसी है, पूरी दुनिया जानती है यूक्रेन में रूस की सेना में हाहाकार मचाने वाले हथियार अमेरिका के। लेकिन आज हम उस ठिकाने की लोकेशन को डीकोड करेंगे जो जर्मनी में है। जर्मनी में अमेरिका का वो सैन्य ठिकाना प्रेसिडेंट पुतिन का ब्लड प्रेशर हाई करने वाला है। आपको बता दें जर्मनी में अमेरिकी सेना का बेस है। यहीं से रूसी सेना पर अचूक प्रहार करने के लिए घातक हथियार यूक्रेन भेजे जा रहे हैं। जर्मनी में ही वो जगह है जहां से यूक्रेन को पश्चिमी देशों के हथियारों की सप्लाई होती है। अरबों डॉलर के हथियार सप्लाई का सेंटर जिससे रूसी सेना में आया बारूदी भवन है। साउथ वेस्ट जर्मनी का स्टटगार्ट जो मैन्युफैक्चरिंग हब के नाम से भी मशहूर है, यही वो जगह है जहां अमेरिका का मिलिट्री बेस है। यही वो जगह है जहां से अमेरिका के घातक हथियार यूक्रेन में रूसी सेना में हड़कंप मचाने के लिए आते हैं। कीव में रूसी सेना में कोहराम यहीं से आए अमेरिकी हथियारों ने बचाए। यहीं से आई महाविनाशक मिसाइल ने डोनबास में पुतिन आर्मी पर प्रहार किए। 3 महीनों से यूक्रेन में चल रहे भीषण बारूदी कोहराम में रूस को कितना नुकसान हुआ पूरी दुनिया जानती है। कैसे अमेरिका के हथियारों से यूक्रेन आर्मी ने रूसी सैनिकों की लाशें बिछा दी, कैसे पुतिन के बड़े बड़े कमांडरों को जंगी मैदान में मार गिराया। जेवलिन मिसाइल से लेकर कई विनाशक हथियार जर्मनी की इसी जगह से यूक्रेन लाए गए। और इन हथियारों से यूक्रेन आर्मी ने पुतिन की विशाल और ताकतवर सेना में बारूदी भवन डाला है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।